रमज़ान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना है जो उपवास, प्रार्थना और दान के कार्यों द्वारा चिन्हित है। हालांकि इस साल का रमज़ान रामनवमी समारोह के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में भड़की हिंसा की पृष्ठभूमि में मनाया जा रहा है। रामनवमी के उत्सव के दौरान भड़की हिंसा बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि यह तब हुई जब हिंदू रामनवमी का पवित्र त्यौहार मना रहे थे और मुस्लिम रमज़ान के पवित्र महीने में उपवास कर रहे थे। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह सभी धर्मों की शिक्षाओं के खिलाफ है। मुसलमानों के रूप में हमें याद रखना चाहिए कि रमज़ान करुणा, शांति और एकजुटता का प्रतीक है। इस वर्ष यह हमारे आसपास के लोगों के लिए उनकी आस्था या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, विशेष रूप से रामनवमी हिंसा जैसी घटनाओं की पृष्ठभूमि में, इस करुणा और दया को बढ़ाने का एक अवसर है। रमज़ान के दौरान मस्जिदों, सामुदायिक केंद्रों और घरों में इफ्तार भोजन साझा करने के लिए विभिन्न समुदाय के लोगों को एक साथ आना एक आम दृश्य है। कई गैर मुस्लिम भी त्यौहार मनाने और मुस्लिम समुदाय के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इफ्तार पार्टियों की मेज़बानी करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण कर्नाटक से आया, जिसने हाल ही में हिजाब विवाद और अब प्रतिबंधित PFI की गतिविधियों पर सांप्रदायिक तनाव के कुछ उदाहरण देखे। रमज़ान की शुरुआत से ही कर्नाटक के बीदर में विभिन्न धर्मों के छात्र मुस्लिम दोस्तों के लिए इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं। कर्नाटक के छात्रों ने किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक मतभेदों के बावजूद एक साथ इफ्तार में भाग लेकर एक दूसरे के बीच सम्मान, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दिया। अपने मुस्लिम साथी छात्रों को भोजन और पेय परोसने से अंतर सांप्रदायिक सद्भाव के विचार पर जोर दिया जाता है और एक स्वागत योग्य वातावरण को बढ़ावा देने में दया और सहानुभूति के मूल पर जोर दिया जाता है। हमें इस पवित्र महीने का उपयोग अपने भाईचारे और भाईचारे के बंधन को मजबूत करने, ज़रूरतमंदों तक पहुंचने और नफरत और हिंसा के खिलाफ एक साथ खड़े होने के लिए करना चाहिए। हमें इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करने के लिए भी समय निकालना चाहिए, जो शांति, न्याय और करुणा में निहित है। भारत में कई मस्जिदें अंतर्विश्वास, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए रमज़ान के दौरान खुले घरों का आयोजन करती हैं। गैर मुस्लिमों को मस्जिदों में जाने, इस्लाम के बारे में जानने और इफ्तार के भोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस पहल ने बाधाओं को तोड़ने और विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देने में मदद की है। रमज़ान दान और दान का भी समय है। देने और उदारता की यह भावना विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाती है और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। जैसा कि हम इस महीने के दौरान उपवास और प्रार्थना करते हैं, आइए हम उन लोगों को याद करें जो दुनिया भर में पीड़ित हैं और एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की दिशा में काम करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। आइए हम हाल की हिंसा के पीड़ितों के लिए और उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अंत में रमज़ान का संदेश आशा और नवीकरण में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पास एक बेहतर दुनिया बनाने की शक्ति है जो प्यार, करुणा और सभी के लिए सम्मान पर आधारित है। आइए हम इस दृष्टि की ओर प्रयास करें और ईश्वर इस यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करें। रेशम फातिमा, दस्तक लाइव न्यूज़।